वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेगाबाइट। और आज मैंने लिया है काइन मास्टर चैलेंज। बेसिकली अपने चैनल के लिए हर वीडियो में अभी तक अपने मैकबुक पे फाइनल कट प्रो पे एडिट करता हूँ, बट इस चैलेंज के लिए मैंने अभी काइन मास्टर की एप्लीकेशन पे एडिट करने का डिसीजन लिया है। तो आप पूरा जो मैं एडिट करने वाला हूँ वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, और जो वीडियो का फाइनल वर्जन रहेगा वो भी मैं अपलोड करूँगा, और मैं कैसे एडिट करूँगा तो ये भी आप देख पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्लिक ऑन दिस बटन टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। यहाँ पर अपन रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, तो 16:9। काइन मास्टर में हमारा जो ये वाली विंडो होती है, ये होती है स्क्रीन जिसमें हम देखते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है। यहाँ पर ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये हर वीडियो सॉफ्टवेयर में, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगा, इसको कहते हैं टाइमलाइन। इस टाइमलाइन पर सेट किया जाता है हमारा सारा काम जो हमें एडिट करना है, यहीं पर होती है कटिंग। एक के ऊपर एक अगर लेयर लगानी है, जैसे कि ये लगी हुई है यहाँ पे, मैंने एक फोल्डर के अंदर, अपने एडिट फोल्डर के अंदर सारा मीडिया इकट्ठा कर लिया है जो मुझे एडिट करना है। अपना मेन वीडियो में लूंगा वो है ये वाला। अब इस वीडियो में मुझे देखना है कि मुझे कितना पार्ट रखना है। तो यहाँ से हम वीडियो का स्टार्टिंग लेंगे, और ये हैंड जेस्चर के जस्ट बाद में अपना हेडर लेके जाऊंगा, और राइट इस मोमेंट पे मुझे कट करना है वीडियो। तो यहाँ पर हम रोक लेंगे वीडियो को। अब हमें पता है हमें इस जगह पर कट करना है, तो उसके लिए हम वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। हमारा हेडर, ये जो रेड कलर की लाइन है ये हेडर होती है, तो ये हेडर यहाँ पर है। तो इसके बाद हमें जाना रहेगा यहाँ पे, और ये चार ऑप्शंस हैं, तो हम चार ऑप्शन में से ये वाला लेंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड। इसका मतलब होता है कि प्ले हेड जिस जगह पर है हमें वहीं पर कट करनी है। तो हम यहाँ पर अपनी स्प्लिट करके, और जो लेफ्ट वाली फुटेज है हमारी किसी काम की नहीं तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इसी तरह से मेरे इस वीडियो में जितनी जगह पर भी एक्स्ट्रा शॉट्स हैं उन सबको मैं कट करके हटा देता हूं, और हटाने के बाद मैं आपके पास वापस आता हूं, बताता हूं आगे कैसे करना है। तो अब मैंने अपनी तीन क्लिप्स को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जहाँ पर, तो इस वीडियो में लेफ्ट हैंड की तरफ एक ह्यूमन है जो कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, तो इस वीडियो में लेफ्ट हैंड की तरफ ह्यूमन है, तो मुझे वो वीडियो यहाँ पर अब दिखानी है। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि अब मुझे एक और वीडियो अगर इस वीडियो के ऊपर लगानी है, तो पहले तो नॉर्मल वीडियो अगर हम ऐड करते हैं तो मीडिया से करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर लगानी है इसलिए हम लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, और उसके बाद मेरा जो वीडियो है सिलेक्टेड उस वीडियो को मैं सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पर ये मैंने वीडियो को इकट्ठा कर लिया, उसको अगर मैं प्ले करके देखूं तो ये कुछ ऐसा प्ले होगा। लेकिन मुझे ये वीडियो अभी अच्छे से रिसाइज करना है ताकि ये स्क्रीन पूरा कवर करे, तो उसके लिए मैं इसको रिसाइज कर लूंगा। और इस वीडियो में जो है ऑडियो है, तो वो ऑडियो के लिए सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे और इसका ऑडियो काफी कम कर देंगे, लगभग 20%, थोड़ा सा बस सुनाई देना चाहिए। तो अब इसको हम पोजीशन करेंगे, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कहाँ लगाना है मुझे ये वीडियो। ये ऑलरेडी अपने सही जगह पर सेट हो गया है, जिस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ वहीं पर आके वीडियो लग गया। वीडियो से हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, तो इधर ही मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं पता चलता, तो इसी वीडियो को हम इधर ही बंद कर देंगे, और सिलेक्ट करके वही प्रोसेस यहाँ पर कट कर देंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड, और यहाँ पर बाकी का बचा हुआ वीडियो हम डिलीट कर देंगे। तो ये तो मैंने बताया कि ये मैं वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोसेस कैसे काम करती है। तो मुझे फिर और मीडिया यहाँ पर लोड करना है, तो मीडिया में जाने के बाद एडिट के अंदर मैंने पूरा अपना डेटा कैप्चर कर रखा है, तो मैं इस वीडियो के अंदर सिलेक्ट करूंगा विच वीडियो यहाँ पर। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ इस चीज़ के ऊपर, तो पहले मुझे इस चीज़ के थोड़े से शॉर्ट्स चाहिए। तो यहाँ पर हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मुझे जिस जगह से वीडियो चाहिए उस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं जितना पार्ट मुझे लेना होगा उतना मैं ले लेता हूँ। तो सारी कटिंग करने के बाद मैं बस आपको 2 मिनट में बताता हूँ और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या ऐड करता हूँ मैं इसमें। ये दोनों वीडियोज़ जो मैंने इंपोर्ट की हैं अभी, इनका भी मुझे ऑडियो नहीं चाहिए, तो इस यहाँ पर वॉल्यूम मीटर में से जाके पूरा डाउन कर देते हैं, इस दूसरे वीडियो का भी डाउन कर देते हैं। मुझे कुछ एक्स्ट्रा फोटोज जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं वो लगाने हैं, तो मैं यहाँ पर मीडिया में जाऊँगा, अपने फोल्डर के अंदर जाऊँगा, और ये सारे जो फोटोज़ हैं इनको मैं ऐड कर लूँगा। तो ये सारे फोटोज ऑटोमेटिकली रिसाइज होके हमारे इस वीडियो में लग जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के ऊपर मेरा ऑडियो नहीं है, तो हम ऑडियो भी इसके ऊपर डालेंगे। पहले मैं अपना पूरा टाइमलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना पूरा टाइमलाइन जो है वो रेडी कर लिया है। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने के बाद, अभी मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट लगाना है मोशन कैप्चर नाम का, तो वो मैं लगाने के लिए जगह ढूंढता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ से बोलना स्टार्ट किया है, तो लगभग मैं यहाँ पे अच्छी सी जगह देख के ये हल्का मूव कर रहा है,
ये एक अच्छी जगह दिख रही है मुझे टैक्स लगाने के लिए, तो मैं इतनी जगह पर टैक्स लगा देता हूँ। इसके लिए मैं एकदम जगह पर रोकने के बाद लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे जाना रहेगा, सॉरी लेयर पे जाने के बाद टैक्स पर जाना रहेगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा मोशन कैप्चर। और ये इस टेक्निक का नाम है जो कि मोशन कैप्चर यूज़ किया जाता है। तो मोशन कैप्चर लिखने के बाद यहाँ पर हम फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट मुझे आई गेस ये ठीक रहेगा, मेरी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा क्लासी सा लग रहा है, तो इस फॉन्ट को मैं इधर लगा देता हूँ। और काफ़ी सारे ऑप्शंस और होते हैं टेक्स्ट में, जैसे कि इन एनिमेशन, जैसे कि टेक्स्ट जब अपीयर हो रहा है तो आपको इस तरीके से दिखाना है या इस तरीके से दिखाना है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। मुझे ये स्लाइड राइट अच्छा लग रहा है, जैसे कि जो टेक्स्ट जब आएगा तो ये ऐसा दिखेगा, तो इट इज़ लुकिंग गुड। तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ जाएगा और इसके बाद मेरा वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। अब मुझे चाहिए इसके ऊपर वॉइस ओवर, ये वॉइस ओवर भी मैंने इस पार्ट के लिए रख रखा है। वैसे तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता था डायरेक्टली, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि आप वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं तो मैंने ये पार्ट रोक के रखा हुआ है। अभी मैं आपके सामने डेमो देने के लिए इधर से स्टार्ट करूंगा वॉइस ओवर, और जो भी मैं बोलूंगा वो पार्ट इस जगह से आगे रिकॉर्ड होता जाएगा। तो सैंपल देने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं, ये एक बार में नहीं आएगा, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ जितना आ जाए। और आप भी जब कभी एडिट करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि वॉइस ओवर जब भी आप देंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आगे पीछे हो या मिसमैच हो, तो आपको वापस से उसे डिलीट करना है, फिर वापस से आप करें जब तक कि परफेक्शन ना आ जाए। तो जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसका नाम है मोशन कैप। फेमस मूवी एवेंजर्स का जो हल्क कैरेक्टर है उसमें जो यहाँ पर मैं फिर से अटक गया हूँ, लेकिन अभी मेरा काफ़ी सारा पार्ट आ चुका है तो मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ और इस ऑडियो को मैं कर दूंगा थोड़ा सा एडिट। तो यहाँ पर हम जाएंगे ट्रिम और स्प्लिट एट प्लेहेड और इसको कर देता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा फिर से वॉइस ओवर। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड एक्चुअली ये थैंक यू सो मच वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड करके रखा है तो मैं वही वाला यूज़ कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं लगाऊंगा अपना मीडिया में से वो वाला पार्ट जो मैंने एंडिंग के लिए रिकॉर्ड किया है, तो वो है मेरा एडिट के अंदर। और ये रहा मेरा वो पार्ट, यहाँ से मैंने बोलना चालू किया एंड दैट वाज अ वीडियो अबाउट मोशन कैप्चर। तो यहाँ से मैं काट लेता हूँ और इसको कर दूंगा मैं डिलीट और ये मर्ज हो जाएगा मेरे बाकी के वीडियो के साथ। देखते हैं कैसा लग रहा है। बस जैसे मैंने नेक्स्ट टाइम बोला है इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, बस यहाँ पर मैं काट देता हूँ और बाकी का बचा हुआ पार्ट हम डिलीट कर देंगे। मस्त वाला गिफ्ट जो है मैंने इस वीडियो में लगा के रखा हुआ था वो है ये काइन मास्टर का प्रो वर्जन। तो इसके लिए देखिए आप, मैं आपको छोटा सा डेमो देके बताता हूँ। जैसे कि ये दो इमेजेस हैं, इनके बीच में हमें कोई ट्रांजिशन डालना है, ये प्लस का आइकॉन आ रहा है यहाँ पर, ये ट्रांजिशंस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर गेट मोर पर जाऊँगा। जैसा कि आपको पता ही है काइन मास्टर के जितने भी एसेट्स होते हैं प्रीमियम वर्जन में ही आते हैं सिर्फ, तो उसका मैं डेमो आपको करके दिखाता हूँ। ये सारे आपको दिख रहे हैं जो, तो इसमें से कोई भी इफेक्ट आप लेना चाहें, इन सब पर लिखा हुआ है प्रीमियम प्रीमियम, तो किसी भी एक को मैं सिलेक्ट करूंगा। काफ़ी सिंपल सा, सिर्फ डेमो देने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं ये वाला लेता हूँ, था इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा और इंस्टॉल हो गया है ये एसेट, और इसको मैं अब लगाऊंगा अपने वीडियो के ऊपर। तो इसका नाम था एक्लिप्स, और एक्लिप्स में से ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये डाल लेते हैं। अब जब ये चलेगा तो CGI कैरेक्टर्स देखे होंगे जिनका मूवमेंट जो है ये आप समझ सकते हैं, जो ट्रांजिशन है ये प्रीमियम है काइन मास्टर का, और ये सब मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो ये था काइन मास्टर का प्रो वर्जन। अगर आपको चाहिए हो तो आपको जाना पड़ेगा मेरे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम की बायो में मैंने एक लिंक डालकर रखी है, वो कुछ दिनों के लिए रहेगी, और अगर वो लिंक हट जाती है तो आप मुझे DM भी कर सकते हैं उस लिंक के लिए, और वहां से जाकर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफी हद तक मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब बस छोटी सी चीज जो है वो हम आगे और पीछे ऐड करेंगे, वो है मेरा चैनल का इंट्रो। तो इंट्रो लगाने के लिए मैं जाऊंगा लेयर्स पे, और यहाँ पर मैं जाऊंगा मीडिया में, और मीडिया में जो मैंने अभी अभी लेके रखा हुआ है एडिट फोल्डर के अंदर, तो ये रहा मेरा इंट्रो। अब ये इंट्रो मैं यहाँ पर लगा दूंगा फुल स्क्रीन पे। इसमें हम लगा देंगे एक आउट एनिमेशन जो कि रहेगा कुछ इस तरह से, या फिर नहीं तो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो है एनिमेशन, तो आउट्रो भी मैंने बना के रखा हुआ है, वो भी अपन ऐड कर लेते हैं। इसके बीच में एक ट्रांजिशन डाल देते हैं, एक्लिप्स जो हमने डाउनलोड किया था वही डाल लेते हैं, अच्छा लगेगा है ना।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट बाय। ओह काफी कूल लग रहा है, काफी कूल लग रहा है, काफी कूल लग रहा है। तो इस तरह के ट्रांजिशन भी आप काइनमास्टर प्रो में ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको दे चुका हूं मैं। कि अभी मैं इसके लिए क्या करूंगा, अपने ईयरफोन्स लगाऊंगा मोबाइल में और जो ऑडियो लेवल है वो चेक करूंगा। बेसिकली क्या होता है, ये जो अलग अलग सोर्सेज से आपने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, मान लीजिए ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो इसका जो ऑडियो है वो कितना हाई है, फिर जो मैंने इसके बाद इधर वॉइस ओवर दिया है इसका ऑडियो कितना हाई है, इन सब का ऑडियो लेवल मैं चेक करूंगा। क्या है कभी देखते टाइम ऐसा होता है कि ज्यादा कम ज्यादा होता रहता है, तो मैं उसको एडजस्ट करूंगा। मान लीजिए अगर मुझे इसका ज्यादा लगता है तो ऑडियो सेक्शन में जाके इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, या फिर इसका मुझे कम लगता है तो इसको भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अब मैं करने वाला हूँ एडिट आराम से। एक्सपोर्ट करने के लिए आप जाएंगे इस बटन पे और यहाँ पर आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर FHD 1080p करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है। और बिटरेट के बारे में बता दूँ कि आपको बिटरेट रखना है 5 से 10 के बीच में। तो ये मेरा वीडियो साइज़ बता रहा है अबाउट 236 MB, जितना साइज़ है उस 236 MB सफिशियंट है, इतना ही होना चाहिए। और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है, साइज़ बहुत ज़्यादा कैप्चर करने लगता है। तो इतने साइज में मैं इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट और थोड़े टाइम बाद ही वीडियो आ जाएगा, फिर मैं इसको कर दूंगा यूट्यूब पे अपलोड। और इस वीडियो को भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड से। बताइए मुझे कि आपको ये काइनमास्टर से एडिट किया हुआ वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में कोई और टिप्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम।